पेज नंबर 185 पे हमारे पास मौजूद है 10.1 से रिलेटेड है थ्योरम नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, स्टैंड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, ये उसने बता दिया है, सही है। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, मतलब जो दो एंगल्स आपके बन रहे हैं वो दोनों किसके बराबर है, राइट एंगल्स के बराबर है। राइट एंगल का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है, सही है, क्लियर है। सवाल का मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। आपने क्या प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या हैं, राइट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ लिसन, देखिए इधर बेटा मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसे, ये देखिएगा, ये डायग्राम का खेल होता है सारा, बाकी वर्डिंग इसकी आपकी बुक में लिखी हुई है वही लिख लीजिएगा एज इट इज। हाँ, ये ए पॉइंट हो गया, अभी सिर्फ समझ लीजिए, ये बी पॉइंट हो गया मेरा, सही है। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना ली, अब उसने कहा है कि इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, ठीक है भाई। इसको नाम दे दिया हमने, किसका, पी का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू बुक, ओके। चलें, एक कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं बेटा, यहां से एक लाइन निकाल रहा हूं जिसे कहते हैं सी, ठीक है। चलिए जरा इधर देखिए, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस लाई कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ का, सही है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन की है। तो आप बता रहा हूं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, उसने सवाल में बता दिया है ये बात। अब मैंने क्या किया बेटा, एक कंस्ट्रक्शन कर ली कि इसको ओ का नाम दे दिया, एक लाइन निकाल ली मैंने, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने। प्रैक्टिकली हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, सही है। ये नहीं है कि डायरेक्ट, वैसे तो नजर आ रहा है कि ये 180 डिग्री है, अगर हाफ पे बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जरा देखिए, मुझे अगर ये पूरी लाइन निकालनी हो, देखें इधर, इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या करनी हो, निकालनी हो, तो इसको किस तरह निकालेंगे बताइए। इसे सी का नाम दे दिया, ये पॉइंट सी है हमारा, सही है, इसे सी का नाम इन्होंने दे दिया है। अब अगर मुझे बताइए एक बात, अगर मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, एम एंगल ए ओ पी, ये पूरा क्या एंगल बन गया, ए ओ सी, सही है। ये देखिए दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, ए ओ सी, ओके। तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू, ये देखिए, एक तो ये एंगल बन रहा है, सही है, और एक बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है पी ओ सी, ये दो एंगल बन रहे हैं। दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा, एक ये, ए ओ पी ओ सी। इसको और आसान करके बता देता हूँ, ये देखिए, मुझे यहां तक जाना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास बीच में एक दीवार आ रही है। पहले मैंने आधा रास्ता कवर किया, ए ओ पी बन गया, फिर मैंने बाकी का रास्ता कवर किया, क्या बन गया, पी ओ, इस तरह से, ठीक है। दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, इसे कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब ये वाला भी मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, मुझे अगर पूरा ये निकालना है बी ओ पी, सही है, क्या निकालना है, बी ओ पी, पूरे का साइड का जो है वो क्या कहते हैं, एंगल निकालना है अगर, तो मैं क्या करूंगा बेटा, के बी ओ पी इज इक्वल्स टू इतना पार्ट चाहिए मुझे, यानी सिर्फ इतना पार्ट का अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या करूंगा कि इस टोटल में से एम एंगल बी ओ पी माइनस इतना हिस्सा आप क्या करेंगे, डिटेक्ट कर देंगे बी ओ सी को, एम एंगल पी ओ सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोबारा बता दूं, देख लें तसल्ली से, देख लें इधर, अभी नहीं, ये पूरा कॉपी कर लें। पहले मैंने ये पूरा एंगल निकालना था, एम एंगल ए ओ सी, यहाँ से यहाँ तक गए, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, पूरा टोटल आ गया। अब मुझे निकालना है बेटा एम एंगल बी ओ सी, सही है। बी ओ सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे में से कितना हिस्सा माइनस कर देंगे, इतना हिस्सा, मतलब
ये वाला नहीं चाहिए ना मुझे, सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करा दीजिए, एम एंगल ए ओ सी प्लस एम एंगल बी ओ सी बराबर है, ये देखिए दोनों क्या हो गए, सही है, एम एंगल ए ओ पी प्लस एम एंगल बी ओ पी, ये टोटल एंगल है बेटा, ठीक है, ये टोटल एंगल है। अब सुने जरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों का जो एंगल है, जो सम है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के होता है ना टोटल, मतलब ये जो टोटल लाइन है ये किसके बराबर है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ ये आपका ए ओ पी है और ये आपका बी ओ पी है, कितना बना रहे, दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों बराबर नहीं हुए फिर, है ना, तो यानी एंगल वन प्लस एंगल वन दोनों क्या हुए, 90 डिग्री, एक 90 हुआ तो दूसरा 90 हुआ, दोनों को प्लस करके क्या बनता है, 180 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स आपके कितने हैं, 180 डिग्री के हैं, तो कौन सा एंगल प्रूव हो गया, ईच इज अ राइट एंगल, यानी दोनों एंगल में से एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, और दूसरा भी फिर जाहिर सी बात है क्या होगा, यही प्रूफ करना था हमें। पेज नंबर 185 पे देखिए सवाल उतारेंगे, पहले लिखिए इफ आई स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ मेजर ऑफ The sum of measure of two angles so formed is equal to two right angles, दो right angles बनेंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन है, प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये कॉलम तक करना है हमने पूरा, जहाँ तक ये कॉलम बना हुआ है यहाँ तक करना है, इतना लिखना है बस, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर 185 क्यूईडी लिखा है, उसके ऊपर तक आप लोगों ने कॉपी करना है, क्यूईडी नहीं लिखना है, ठीक है। ये देखो ये पूरा पार्ट है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है इतना हिस्सा मुझे माइनस करना पड़ेगा, इतना हिस्सा निकालूंगा तो बाकी का हिस्सा आएगा ना, तो मैंने टोटल लिया पहले, फिर उसमें से माइनस कर दिया इतना हिस्सा, ये देख लो पी ओ सी इस तरह, ठीक है। हाँ यहाँ तक, मतलब पूरा कॉलम तक करना है कॉपी, इसको इसको लिख लीजिए आप लोग। जी बता रहा हूँ,
थ्योरम नंबर टू करवाने जा रहा हूँ, पेज नंबर 187। जगह छोड़ दो, इस पेज पे आ जाएगा आराम से, मसला नहीं है। हाँ आ जाएगा, ये देखो इतना है, यहाँ तक है बस, आ जाएगा। थ्योरम नंबर टू पे आते हैं, वो पेज नंबर 187, इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा आप लोग, थ्योरम नंबर वन को। पेज नंबर 185 से पेज नंबर 187 पे है हमारे पास, थ्योरम नंबर टू मौजूद है, इसको भी इसी तरह करना है बेटा। अब जरा सवाल सुन लीजिए, अगर इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, किसके बराबर आ रहा है उनका सम, दो राइट एंगल्स के, द एक्सटर्नल आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन्स, मतलब इनके जो एक्सटर्नल आर्म्स हैं वो किस पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे उनके एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अच्छा ये आ गई हमारे पास फिगर बेटा, ये बनानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे पहले ए बी और ये ओ पॉइंट है जो बीच में बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है, जो एक्सटेंड कर रहा है सी पे, एक लाइन है, सही है, ये है। आपको बता दिया गया है कि ओ ए और बी जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, उसने बता दिया ये बात, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले ओ सी जो है एक लाइन है जो कि उस पर स्टैंड कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट बना लेते हैं, चलें ओ बी का एंगल निकाल लेते हैं जिसे हम एक्सटेंड करके पी का नाम दे देते हैं, ये देखें, ठीक है, एक लाइन बना ली हमने, ये लाइन अगर B तक जा रही है तो AOC और AOP का एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, सही है, ये पूरा एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर हो सकता है, बिकॉज कहां तक जा रही है P वाली लाइन, B तक जा रही है ना। अच्छा अब एक चीज़ और बताइए कि एम एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ये भी किसके बराबर है, ये भी 180 डिग्री है ना, ये देखें ये 90 और ये 90, उसने बता दिया है कि दो राइट एंगल्स हैं, सही है, ये भी हमने किसके बराबर ले लिया, 180 डिग्री के बराबर ले लिया, बैटरी। अब अगर ये दोनों ही 180 के बराबर हैं, अगर ये दोनों ही चीज़ें 180 के बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर हो सकते हैं पूरे,
ये भी पूरा 180 के बराबर है, ये भी पूरा 180 के बराबर है। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लूंगा, बराबर ले लूंगा। ये देखें, एम एंगल ए ओ सी प्लस एम एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एम एंगल ए ओ सी प्लस एम एंगल बी ओ सी। ये देखिए, एंगल ए ओ सी से एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये चीज तो खत्म। यानी एम एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एम एंगल बी ओ सी। यानी ये वाला एंगल आपका ए ओ पी, सही है, ये वाला एंगल आपका बी ओ सी, ये दोनों एंगल्स क्या आ गए, बराबर आ गए। कैसे हो सकता है ऐसा, कैसे हो सकता है, ये देखिए, ये ए ओ पी और ये बी ओ सी, सही है। ऐसा सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जब ओ बी और ओ पी आपकी कोइंसाइड करें, मतलब दोनों मिले, दोनों बराबर हों, तभी तो बराबर आएगा, सही है। मतलब ए ओ पी और बी ओ सी किस वक्त बराबर आ सकता है, जब बी और पी आपको क्या करें, कोइंसाइड करें, मिलें, तब जाके आपके पास होता है। तो इस तरह से हमारी सेटिस्फेक्शन क्या प्रूव होगा कि स्ट्रेट लाइन पे आपके दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, और इनके एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, एंगल्स जो बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आखिर में साइड पे कोने पे ही जो है वो अपना काम एंगल्स का कर रहे हैं, सही है। पेज नंबर 187 पे हमारे पास मौजूद है थ्योरम। क्यूईडी नहीं लिखना है, ये सवाल उतारा जाएगा पहले, उसके बाद क्या कहते हैं, गिवन से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, कंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग, ठीक है। पेज नंबर 187, थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ज्योमेट्री के लेक्चर्स।